आप देख रहे हैं मनी नाइन, मैं हूं प्रियंका संभव और झटपट खबर में क्रिप्टो दुनिया की हलचल में आपके लिए लेकर आई हूं। बजट में वर्चुअल डिजिटल एसेट पर टैक्स लगाने का ऐलान क्या हुआ, क्रिप्टो की पूरी दुनिया हिल गई है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडिंग कराने वाले एक्सचेंजों के लिए कहीं खुशी कहीं गम जैसे हालात बन गए हैं। इन्वेस्टर्स पर क्रिप्टो से प्रॉफिट पर 30% टैक्स की मार पड़ गई है, ट्रेडिंग करेंगे तो 1% TDS भी देना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स इस बात से दुखी हैं। इन्वेस्टर्स से उलट एक्सचेंजों का दर्द दूसरा है। एक्सचेंज परेशान है कि 1% TDS उनके लिए टैक्स की उलझने और बढ़ाने वाला है। अब इन प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर निवेशक ऐसे भारतीय हैं जो समंदर पार रहते हैं। कानून कहता है कि ऐसे निवेशकों पर 2% इक्वलाइजेशन टैक्स भी बनता है। बस यहां से ही एक्सचेंजों की उलझन बढ़ गई है। इसी वजह से क्रिप्टो एक्सचेंज चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द टैक्स के मसले पर तस्वीर साफ करे। सरकार का इरादा 1 अप्रैल से पहले इस मामले में स्पष्ट टैक्स रूल्स पेश करने का है। वर्चुअल डिजिटल एसेट की परिभाषा को इतना व्यापक बनाने का है ताकि भविष्य की कोई भी डिजिटल एसेट इसके बाहर ना रहे। है बजट में टैक्स लगने से एक्सचेंज इस बात को लेकर भी रिलैक्स है कि अब टैक्स लग गया तो सरकार क्रिप्टो को कम से कम बैन तो नहीं करेगी। निवेशक धड़ाधड़ एक्सचेंजों पर खुद को रजिस्टर्ड भी करवा रहे हैं। निवेशकों की बढ़ती संख्या से उत्साहित एक्सचेंज ने तो क्रिप्टो में अब सिप की भी शुरुआत कर दी है, यानी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाकर क्रिप्टो खरीद सकते हैं। इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए एक सेकेंडरी स्केलिंग सॉल्यूशन पॉलीगॉन की नींव रखने वाले 3 भारतीयों को $45 करोड़ की फंडिंग भी मिल गई है। यानी बड़े निवेशक भी क्रिप्टो से जुड़ी कंपनियों पर बुलिश बने हुए हैं। क्रिप्टो की खलबली से उलट रिजर्व बैंक तेजी से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है। RBI को लग रहा है कि डिजिटल करेंसी आएगी तो नोट छापने का उसका खर्च काफी कम रह जाएगा। उम्मीद है क्रिप्टो पर ये एडिशन आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए मनी9।